मामा इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर मामा। आई इंस्पेक्टर, हमने बहुत कोशिश की उसे पकड़ने की, लेकिन मौका देखते ही वो खिड़की से भाग गया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, मेरी मम्मी को अल्जाइमर, वो अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकती है तो किसी और को क्या नुकसान पहुंचाएंगी? कोई क्यों ऐसा करेगा? हमें इनका स्टेटमेंट लेना होगा। छोड़ दो, भाग जाओ, छोड़ दो। क्या आपने उस आदमी को देखा? क्या आप उन्हें दोबारा देखकर पहचान जाएंगी? हमलावर की कोई पहचान या ऐसी कोई बात आपको याद हो? मेरी मम्मी वैसे ही इतनी घबराई हुई है। बस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब से मैं मम्मी को रतन बिल्डिंग से लेके आई हूँ तब से मम्मी बस एक ही बात बोली जा रही, छोड़ दो, जाने दो। कबीर छोड़ो उसे, जल्दी छोड़ो और भागो। और अभी जब वो आदमी आया मम्मी को मारने के लिए तब फिर से ये बातें दोहराने लग गई। मुझे लगता है कि रतन बिल्डिंग और इस आदमी में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मेरी मम्मी सेफ नहीं है ये मैं जानती हूँ। देखिए आपकी मदर को अल्जाइमर डिजीज है और वो जो बड़बड़ा रही हैं उस बेसिस पर छानबीन करना बहुत मुश्किल है। आप भी तो गई थी रतन बिल्डिंग में, आपने वहाँ कुछ देखा? मैम लेकिन मम्मी जो ये सब कह रही है उसे तो ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए हम समझते हैं आप अपनी मदर की हेल्थ को लेकर कंसर्न है, कोई चोर आया होगा चोरी चारी करने के लिए और आपकी मदर ने उनको देख लिया होगा, इसलिए शायद वो उनसे भिड़ गया और कमिश्नर सर ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा है, तो हम कुछ दिनों के लिए उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे देंगे। थैंक यू सो मच। वो इंस्पेक्टर थे ना, वो कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप घबराओ मत, आप डरो मत, सब ठीक है, मैं हूं ना यहाँ, आप सोचो। हेलो ग्रोवर अंकल, थैंक यू सो मच, आपके कहने पे कमिश्नर सर ने मम्मी की सिक्योरिटी के लिए पेट्रोलिंग कार तैनात कर दी है, पर अंकल मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो? खुशी के चक्कर में उसकी माँ को मार ही नहीं पाया और अब तो रिस्क और बढ़ गया है। खुशी ने तुम्हें देखा तो नहीं ना, बस गुड़िया को कभी भी ठिकाने लगा सकते हैं। लेकिन मीनू 15 अगस्त को तीन ही कितने बचे, गिनती का 1.5 महीना, हमें जो करना होगा बहुत जल्दी करना होगा। एक तो खुशी की माँ का टेंशन, ऊपर से रॉकी नार्कोटिक्स ऑफिसर निकला हुआ, अब तो एक खुशी भी मुसीबत बनती जा रही है। तुम्हें पुलिस से बचाया तो लगा कि शायद आगे मददगार साबित होगी, लेकिन अब लगता है इसका भी कुछ करना पड़ेगा। हमारा मेन हथियार वो बच्चा हनी बहुत करीब आ गई है उससे, आगे जाकर हमारे लिए कोई रुकावट ना पैदा करते। या तो हमें उस खुशी के खिलाफ कुछ मिल जाए, उसकी कोई दुखती रग जो हम अपने फायदे के लिए कभी भी दबा सके। जो आजकल ये सब हो रहा है ना, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। हाँ ये बात तो है कि कम से कम अब आरवी का डर नहीं, वो मर चुका है, पर फिर भी मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं किसी को ये पता ना चल जाए कि मैं ही हैप्पी हूँ। अरे ऐसे कैसे इन्फॉर्मेशन नहीं है उस बंदी के बारे में जो मुझे यहाँ लेके आई थी, आप प्लीज अच्छे से चेक करो। मिस्टर खोसला अभी आपको स्ट्रेस की नहीं, आराम की जरूरत है। अरे मैडम स्ट्रेस तो आप लोग दे रहे हैं मुझे, 50 फॉर्म भरवाते हैं लेकिन ये नहीं पता जो लड़की मुझे यहाँ लेके आई थी उसका नाम क्या है, पता क्या है। पर सर उन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं तो क्या कर सकते हैं हम। देखने में कैसी थी वो लड़की? देखने में तो सुंदर थी, लंबे काले बाल और उसकी आंखें जैसे एक नाक दो आंख दो कान, करेक्ट। थैंक यू, बहुत अच्छे से समझा रहे, मुझे एकदम से याद आ गया। ये सीसीटीवी फुटेज देखनी मुझे अभी इसी वक्त।
सर हम ऐसे ही किसी को भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते, उसके लिए हमें ऑथराइजेशन चाहिए होता है। मेरा वॉलेट कहाँ है? मेरा वॉलेट दिखाओ, अभी आपको ऑथराइजेशन देता हूँ मैं। रॉकी डार्लिंग्स, तुम्हारा वॉलेट मेरे पास है। रॉकी, तुझे आराम करने के लिए कहा है तो फिर ये सब पागलपन क्या है? और मेन पॉइंटिंग्स तो ये है कि तुम एकदम ठीक हो, फिर क्या फर्क पड़ता है कि कौन तुम्हें यहाँ लाया और कौन नहीं, या फिर लाई? आप दोनों की विशेष टिप्पणी एक्सपर्ट कमेंट की मुझे कोई जरूरत नहीं है इस वक्त। आपकी ये फर्जी चिंता और ये दिखावा, ये तमाशा, ये करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कुछ कर सकते हो मेरे लिए इस वक्त तो प्लीज जाओ, क्योंकि इस वक्त मुझे आप दोनों की शक्ल देखने का कोई मूड नहीं। प्लीज जाओ। रॉकी खोसला, सिक्योरिटी फोर्सेस, इतनी ऑथराइजेशन काफी है? चलिए आप मेरे साथ। 100% ये बंदी हैप्पी ही है। दिमाग भूल जाए पर दिल नहीं भूलता। दिल कह रहा है वो पूरे टाइम मेरे साथ थी। मैं बेहोश था तब भी उसकी हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी मुझे। रॉकी तुम मर नहीं सकता, मरा तो तेरी जान ले लूंगी। वही थी, पक्का वही थी। सुन करो इसको, और जूम करो। ये हैप्पी है, मैं जानता हूँ ये हैप्पी है, मेरा दिल कह रहा है। मिस्टर खोसला, मुझे अभी अभी याद आया, आपको जो लड़की लेके आई थी उसका नाम खुशी था। खुशी, खुशी, कहीं तो सुना है मैंने ये नाम। रॉकी, फिर से ऐसा लगा जैसे तूने मेरा नाम लिया। रॉकी, क्या हो रहा है मुझे? दिमाग को तो कंट्रोल कर सकती हूँ पर दिल, मेरा दिल ही नहीं मानता। बस तेरे बारे में सोचता रहता है। बस तू जल्दी से ठीक हो जा रॉकी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हेलो। हाँ अंजलि, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ रेडियो स्टेशन। ओके बाय। अभी इस वक्त घर में नहीं जा सकते, खुशी ने पुलिस तैनात करके रखी है। दिखती सीधी है पर है बहुत टेढ़ी है खुशी। मैंने खुशी की माँ ने अब तक कुछ नहीं बोला है, लेकिन अगर उसे कुछ याद आ गया और उसने कुछ बोल दिया ना तो सब खत्म हो जाएगा। अभी पैनिक करेंगे तो सब कुछ जरूर खत्म होगा। हमें अपना फोकस लूज नहीं करना है। कल सुबह खुशी से पूछती हूँ उसकी माँ को क्या याद आया और क्या नहीं, तब डिसाइड करेंगे क्या करना है। बहुत मेहनत के बाद प्लान यहां तक पहुंचा है। खुशी की माँ का ना लेना एक ना देना दो, उसे इस प्लान को खराब नहीं करने देंगे। ठीक। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।